सिलीगुड़ी से थोड़ा सा बाहर आए हैं तो बारिश शुरू हो गई है। सो ये आ गई हमारी नेपाली थाली राइस। इस बार थोड़ा चक्कर पड़ रहा है यहाँ पे का बंच, छोटे छोटे हैं ये बनाना। ये अभी यार, लेकिन अगर चेक हो गया तो फिर मुश्किल होगी, तो इसलिए लेके जाना पड़ेगा। ये देखें, ये टी लीव्स भरे हुए हैं, टी लीव्स लोड हो रहे हैं गाड़ी में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल। दोस्तों आज 12वां दिन है हमारे रोड ट्रिप का, और इस समय मैं अपने होटल में ही खड़ा हूँ। ये पीछे आप सिलीगुड़ी का व्यू देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी बारिश हुई है। सो आज की ड्राइव हमारी होगी बोधगया तक, लेकिन उसके पहले करेंगे ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट हमने इंक्लूड किया था क्योंकि हमें रास्ते में अच्छा ब्रेकफास्ट मिलने की उम्मीद नहीं थी बोधगया के रास्ते तक, तो इसलिए हमने ब्रेकफास्ट इंक्लूड किया था। और अभी ऐसे इनका 8 बजे ब्रेकफास्ट शुरू होता है, तो हमने अगर अर्ली मिल जाता तो हम अर्ली निकल जाते। इन्होंने कहा था 7:30 तक आ जाना, जो रेडी होगा बनता जाएगा आप खाते जाइए। तो अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर निकलेंगे बोधगया की तरफ। सो क्योंकि हम अर्ली हैं तो थोड़ा जो ब्रेकफास्ट है वो जो ड्राई ब्रेकफास्ट है वो तो थोड़ा सा लग गया है, लेकिन जो प्रेपरेशन वाला पार्ट है वो अभी आएगा। इसमें क्या है, कुछ सांभर लग रहा है सपोज, सैंडविचेस, इडली, गुंजी है, भाजी, पूरी अभी आएगी। तो पहले हम टोस्ट ले लेते हैं। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी हम निकल पड़े हैं बोधगया के लिए, और सिलीगुड़ी से थोड़ा सा बाहर आए हैं तो बारिश शुरू हो गई है। वैसे अच्छा ही है क्योंकि प्लेन्स का जो टेम्परेचर है वो हाई है, तो अगर बारिश पड़ती रहेगी तो थोड़ा सा प्लेजेंट रहेगा, नहीं तो बिहार में तो गर्मी है। तो दोस्तों प्लान हो गया चेंज, बोधगया कैंसिल, और अभी प्लान बन गया है नेपाल जाने का। अपनी गाड़ी का यही फ़ायदा है, जिधर चाहे स्टीयरिंग मोड़ लो। तो अभी जा रहे हैं नेपाल की ओर। ये जो राइट साइड को टर्न है ये जाता है बगडोगरा एयरपोर्ट पे। सो अगर आपको गैंगटॉक या दार्जिलिंग वगैरह बाय एयर आना है तो आपको बगडोगरा एयरपोर्ट पे ही लैंड करना पड़ेगा। यहाँ से फिर आप टैक्सी या बस वगैरह में जा सकते हैं। सो अभी हम रास्ते में थे तो हमें यहाँ पर टी गार्डन में जो टी लीव्स प्लक करती हुई कुछ महिलाएं नज़र आई हैं। सो वर्कर्स जो हैं वो प्लांटेशन पे काम कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि बना लें। ये हमें पहले कहीं दिखाई नहीं दिया था, तो अभी यहाँ पे दिखाई दिया, तो हम कैप्चर कर रहे हैं इन मोमेंट्स को। ये देखें, ये टी लीव्स भरे हुए हैं, टी लीव्स लोड हो रहे हैं गाड़ी में, इनको बाद में प्रोसेस किया जाएगा। अच्छा, ये यहाँ पे टी लीव्स जो है वो वे कर रहे हैं, तोल रहे हैं, तो वो पर्ची के साथ में भाई साहब लिखते जा रहे हैं, और पर्ची वहाँ पर अपने पास रख लेते हैं कि कितने प्लग किए हैं हर लेडी ने, तो उस हिसाब से इनको पेमेंट होती होगी। तो ये सारा तोल के स्लिप लेके और ये इस गाड़ी में टी लीव्स जो है भरते जा रहे हैं। सो ये सामने जो है प्लकिंग हो रही है। तो ये दूर दूर तक टी गार्डन नज़र आ रहा है, और पूरे टी गार्डन में जो वर्कर जो है वो काम कर रहे हैं प्लकिंग का। तो ये हाईवे के साथ ही है, हाईवे के साथ साथ टी गार्डन, और दूसरी तरफ भी है टी गार्डन्स, लेकिन वहाँ कोई काम नहीं चल रहा, काम चल रहा है प्लकिंग का। वो बनाई है, एक
काम करने में बहुत मेहनत लगती है। यहाँ पानी का टैंकर रखा हुआ है तो लेडीज अपनी अपनी बॉटल्स में पानी भर रही हैं और साथ में टी प्लग्स का तोड़ के टी लीव्स को प्लग करके तो वो ट्रक में भर रही है। वो ट्रक जल्दी से भर गया हमारे देखते देखते। सो ये कोई झगड़ा हो गया नक्सलबाड़ी में। हम क्रॉसिंग पे लाइट्स क्रॉसिंग सिग्नल्स पे रुके हैं, लोग चल रहे हैं तो वो लाइन लगी हुई है कार के रजिस्ट्रेशन के लिए आई सपोज। काफ़ी लंबी लाइन है ये तो। सो हमारी रजिस्ट्रेशन हो गई है, अभी हम जा रहे हैं पार्किंग तरफ, लेकिन आगे हमें रोड परमिट लेना है वो। सो ये है वो बिल्डिंग जहाँ पे हम अपना व्हीकल रजिस्टर करवाते हैं। तो हमने एक हफ्ते का परमिट लिया है और एक हफ्ते के हमारे लगे हैं 2750 रुपये, लगभग 400 रुपये पर डे है। तो ये जो गाड़ियाँ निकल रही हैं रजिस्टर होके अब नेपाल की ओर बढ़ रही हैं, ये आते उधर से हैं लेफ्ट साइड से और जाते बाहर राइट साइड से हैं। वो मैंने पहले भी दिखाई थी, वो लाइन लगी हुई ऑफिस के बाहर, वो रजिस्ट्रेशन के लिए है, फिर अंदर जाके पैसे वगैरह जमा होते हैं। तो वो यहाँ से 20 किलोमीटर पे बिरता मोड़ करके है, वहाँ कोई ट्रांसपोर्ट ऑफिस है तो वहाँ पे जाके हमें पहले भी हमने लिया था, तो अभी हमें वहाँ जाके रोड परमिट लेना है और फिर हम आराम से कहीं भी जा सकते हैं नेपाल में। हमने एक वीक का परमिट लिया है। तो हम तो डर गए थे कि पता नहीं इतना रश है कितना टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर ये टेस्ट होता है, ये देखें टू व्हीलर का टेस्ट हो रहा है वो ऊपर वहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर कितनी भीड़ है, लाइसेंस बनता है यहाँ पे। तो हमें तो लाइसेंस नहीं करवाना है, हमें तो जस्ट रोड परमिट चाहिए। तो अंदर चलते हैं और लेते हैं रोड परमिट। सो अभी मैं गया था वो ट्रांसपोर्ट ऑफिस, अभी बोल रहे हैं कि मेन रोड पे ही है इनका रोड परमिट वाला, वहाँ पर एक ऑफिस है वहाँ वो परमिट देते हैं। इस बार थोड़ा चक्कर पड़ रहा है यहाँ पे, मिल तो जाएगा लेकिन बस ये है कि थोड़ी लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं बाहर मेन रोड पे, देखते हैं वहाँ पे। तो ये जा रही है नेपाल की बस, ये नेपाली बसें जा रही हैं। ये है वो टेम्परेरी रूट परमिट, लेकिन अभी बंद है लंच टाइम की वजह से। मौसम बड़ा अच्छा हुआ हुआ है, मौसम तो सिलीगुड़ी जैसा मौसम है। तो अभी हमें वो लोकेशन मिल तो गई है, यहाँ से टेम्प्रेरी रूट परमिट हमें मिल रहा है, लेकिन अभी लंच टाइम हो गया है, 1:05 हुए थे जब हम पहुँचे। तो अभी एक यहाँ ये फ्रूट वाला है, वो जो रेडी वाला यहाँ बैठा था, उसने बोला कि 10 मिनट में आ जाएगा। तो अभी वेट करनी पड़ेगी क्योंकि लेके ही जाना पड़ेगा। वैसे तो लास्ट टाइम जब आए थे कहीं भी चेक नहीं हुआ था, लेकिन अगर चेक हो गया तो फिर मुश्किल होगी, तो इसलिए लेके जाना पड़ेगा। ये पीछे मेरे लिखा हुआ है टेम्प्रेरी रूट परमिट, आपको उल्टा नज़र आ रहा होगा वीडियो में, वैसे सीधा कर दूंगा मैं इसको। चलो कोई नहीं, वेट करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। हमने बनाना खरीदे हैं छोटे छोटे, ये मेरे हाथ में भी है, ये देखे, ये इतना सा बनाना है, ये 50 रुपये दर्जन मिले हैं हमें का पंच, छोटे छोटे हैं ये बनाना। सो अभी हम पहुँचे हैं पथरी और हमारा चाय पीने का मन था इसलिए हम यहीं पर रुके हैं। और ये सामने कैफ़े कौन है यहाँ जहाँ से हम चाय पियेंगे, ये साथ में बहुत सारी खाने पीने वाली दुकानें हैं, इधर मार्केट है। लास्ट टाइम जब हम नेपाल आए थे तो हमने तब भी रजिस्ट्रेशन करवा के रोड परमिट लिया था, लेकिन तब एक बार भी हमारा रोड परमिट जो है चेक नहीं हुआ था। और आज अभी हम, मुझे लगता है कि ज़्यादा किलोमीटर नहीं आए हैं नेपाल के अंदर, और दो बार हमारा जो परमिट है वो चेक हो चुका है। तो मे भी अगर कुछ लोग मे भी ऐसा करते हैं कि परमिट लेते ही ना हो, क्योंकि वहाँ भी थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं तो फिर आगे चलान करता होगा। लेकिन ये है कि उसमें हमारा 1 घंटा ख़राब होगा, क्योंकि हम 1:05 पर वहाँ पहुँचे जहाँ रोड परमिट मिलना था हमें, तो 1 बजे लंच टाइम हो गया, 1:50 तक लंच टाइम था, पूरे 1:50 पे आदमी आया, फिर उसने वो जो रोड परमिट था वो काट के दिया हमें। कब बहुत गर्म है। सो अभी हम
जो है अभी चलते जाएंगे, जहाँ लगेगा कि अब आगे ट्रैवल नहीं करना है वहीं हम बुकिंग कर लेंगे, वहीं रुकेंगे, फिर कल चितवन के लिए निकलेंगे। मछलियाँ पकड़ रहे हैं शायद, ऊपर रस्सियाँ बांधी हुई हैं इन्होंने स्टिक्स को, ये देखें ये लकड़ी के साथ रस्सी बांधी हुई है, मुझे लगता है ये मछलियाँ पकड़ते हैं। तो यहाँ लोग थोड़ा सूखा आ गया, यहाँ पर ऐसे में 100-150 दुकानें देख चुके हैं जहाँ पर अलग अलग वैरायटीज के आम मिलते हैं। सो गाइस, पहुँच गए हैं हम बर्दिवास में अपने होटल में, और ये हमारा रूम है, रूम नंबर 303। तो ठीक है रूम, क्योंकि हमें जस्ट नाइट स्टे करना है तो उसके लिए आई सपोज दिस इज़ कंफर्टेबल। सो ये होटल के रूम में बाथरूम में हमें ये किट दी गई है, डेंटल किट। ये देखें ब्रश भी अच्छा है, ट्रांसपेरेंट सा, और ये ट्यूब देखें बड़ी क्यूट सी है, टूथपेस्ट है छोटी सी। सो ये था फर्स्ट फ्लोर, हमारा रूम है सेकंड फ्लोर पे, यहाँ सामने पूल भी है, वो पूल भी है सामने। सो ये होटल का रेस्टोरेंट है, होटल मुंजा का। सो क्योंकि लेट पहुँचे तो अभी डिनर यहीं पे करेंगे, अभी या तो लोग डिनर करके जा चुके हैं तो, या फिर लोगों ने अपने रूम में मंगवाया, लेकिन मैं यहीं बैठ के खाना चाह रहा था, तो मैं ट्राई करना चाह रहा था नेपाली थाली। तो क्योंकि नेपाल में आए हैं तो नेपाली खाना ही ट्राई करना चाहिए, और यहाँ पर बहुत सारी थालियाँ हैं, तो मैं बुलाता हूँ किसी को, थोड़ा इनके पूछते हैं डिटेल कि कैसा है, उसके बाद फिर ऑर्डर करते हैं। तो थाली आती है तो फिर आपको दिखाता हूँ मैं क्या खा रहा हूँ। सो ये आ गई हमारी नेपाली थाली, राइस है, दाल है, फिश करी है, पापड़ है, सैलड है, वेज करी है, और कोई चटनी है। तो दिस इज़ द प्लेट, हमारी फिश करी थाली, नेपाली थाली। सो ये हमारे रूम की बालकनी से होटल के फ्रंट का व्यू है। और ये होटल के सामने का,